सिंपल क्वेश्चन पुली वाले, ज्यादा पुली वाले पे नहीं करेंगे क्योंकि पुली आप लोग ऑलरेडी बहुत क्लास में सॉल्व करते हो, पुली उतना पूछा उछा नहीं जाता है, हमारा डिस्कशन थोड़ा एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे चलो एक ले लेते हैं इस तरह से, ये यहाँ पे एक पुली है हमारे पास और एक ब्लॉक इधर यहाँ पे ऐसे लटका हुआ है, ये ब्लॉक हो गया, फिर एक यहाँ पे और पुली है, एक ब्लॉक उसके ऐसे लटका हुआ है और एक पुली और है यहाँ पे, उससे एक ब्लॉक लटका हुआ है। ये सिस्टम आपको दिया जा रहा है और ये इस वाली बॉडी का मास मान लेते हैं 10 किलोग्राम है, इस वाली बॉडी का मास 10 किलोग्राम है और इस वाली बॉडी का मास 5 किलोग्राम। तो कुछ एक्सेलरेशंस आपको कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, ताकि सबका आंसर एक जैसा आए। तो मैं डायरेक्शन बना देता हूँ, मैंने मान लिया ये वाली बॉडी अपवर्ड जा रही है, मैंने मान ली ये वाली बॉडी डाउनवर्ड जा रही है और ये वाली बॉडी अपवर्ड जा रही है। माइक ऑफ करो भैया, ये जय श्री राम कौन है भैया, सुबह सुबह मन में लो यार भगवान का नाम, ठीक है, देख लेना यार माइक मत ऑन कर रहा हूं। चलो बच्चों सॉल्व करो, तुम लोग तो चाय नाश्ता करके बैठे हो, हमने तो चाय भी नहीं पी। चलो मुद्दा ये, इस क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व करना है, देखते हैं 2 मिनट में किसका करेक्ट आंसर आता है। दो मिनट में सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। करो भाई, करो अगर यहाँ पे हम टेंशन टी माने तो यहाँ पे टेंशन टी होगा, यहाँ पे टेंशन टी होगा, इसमें टेंशन 2T हो जाएगा। तीनों एक्सेलरेशन बताने, तीनों बता दो, एक बता दे चलेगा, बताओ। अच्छा एक बता दो, K3 आ रहा है 7G/13, गलत है,
को हटा ही देता हूँ। नाम बताओ इनका। बजरंग बली। सर खुद ही लीव कर दिया उसने। किसी कॉमर्स वाले को सर एंट्री दे दी थी क्या? पता नहीं, डिफरेंट डिफरेंट नाम से लोग ज्वाइन करते हैं, ग्रुप पे डालते हैं, हमें क्या पता रहे। सर A370/13 आ रहा। A3 आ रहा है 5G/7। सर टेंशन मेथड एक बार फिर से बता दीजिए। अरे पहले बेसिक मेथड से करो, क्योंकि अगर एक फोर्स एक्स्ट्रा लगा दिया ना तो बेसिक मेथड फिर लगाना पड़ेगा, ट्रिक नहीं लगेगी। देखो इसका वेट 10G लगेगा, तो इस बॉडी इक्वेशन तब भी बनाना सीख लो। 2T-10G=10A1 बनेगा। एक इक्वेशन ये बनाएंगे, और इस बॉडी को हमने डाउनवर्ड माना है, तो 10G-T 10A2, और ये वाली बॉडी भी ऊपर मानी 2T-5G 5A3, राइट? रिवीजन कब से होगा सर? रिवीजन वेरिएबल चार है, ठीक है? रिवीजन कब से होगा? कौन पूछ रहा है? चला गया सर। एक सिक्का दे। तो यहाँ पे अगर हम दूसरा एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालेंगे तो टेंशन मेथड लगाएंगे, 2T A1-TA2+2T A3=0। ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन आएगी, 2A1-A2+2A3=0। सर A1 3G/13 आ रहा है क्या? A1 आ रहा है, A1 का आंसर इस बुक में दिया नहीं, शायद A3 बताना है। A1 निकाल लो, अभी निकालते हैं। तो ये तो बच्चों प्रॉपर मेथड है, जिसमें आप कई सारी न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन बनाओगे सभी ब्लॉक के लिए, और एक इक्वेशन आप बनाओगे जो एक्सेलरेशन में रिलेशन बता रही होगी। अब मैंने आपको एक डायरेक्ट तरीका बताया था इन क्वेश्चंस को करने का, टेंशन निकालने का। याद है किसी को? बताओ कैसे लिखे हैं इसको। जी फैक्टर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टेंशन अपॉन मास। जी लिख लेंगे, और इसका 2T है तो 2G लिख लेंगे बेटा। सर टेंशन का जो कोएफिशिएंट है, अच्छा देखते हैं, तो दिस इज 4/10 kg। टेंशन के कोएफिशिएंट को जी में कन्वर्ट करके डू 2 × g 2 × g। यार ये तो सर आप सबको एंट्री क्यों दे देते हैं, डिनाई कर। सर आप दोबारा से मीटिंग चालू कर दीजिएगा, इस बार एंट्री ना दीजिएगा। वन सेकंड, मैं एक बार रिमूव कर दूंगा तो दोबारा नहीं आ पाएगा। फिर चला गया क्या? बग जा रहा है सर। यस सर, फिर चला गया। क्लास डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब लात जूते खाने वाला काम कर रहा है जो भी बंदा है। सर दूसरी लिंक दे दीजिए। हां सर, या तो या तो ये क्या जो है कोई पहली बार यूज कर रहा है गूगल मीट, उसको पता ही नहीं है कैसे क्या करना है। वो सुबह सुबह भजन कीर्तन सुना है, जय श्री राम लिख रहा है कमेंट में बार बार। अच्छा
अब की बार जैसे ही आए तो मुझे बताना, ठीक है? तो हम लोग लिख रहे थे सर, आ गया अभी जरूरत नहीं है तुम्हारी। तरह दोबारा से मीटिंग कर दीजिए। अगली बार आएगा तो मैं दोबारा से कर दूंगा। एक बार उसको हटा दूंगा ना तो दोबारा फिर रीज्वाइन नहीं कर पाएगा, खुद लेफ्ट और ज्वाइन नहीं हट पाएगा सर। एक बार मैंने रिमूव कर दिया ना तो फिर रिमूव करने के बाद ज्वाइन नहीं हो पाता है। सर या तो मीटिंग लॉक कर दीजिए ना। यार ये लॉक करना नहीं आता मुझे, कैसे लॉक होती है? लॉक कर दे रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। बस ठीक है, जितने लोग आ गए आ गए, ठीक है? हाँ सर। ये यहीं से लॉक हो रहा है क्या? इससे स्क्रीन लॉक होगी। हाँ स्क्रीन लॉक होगी सर, गूगल मीट से। सर चलो, तो यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, टेंशन के कोफिशियंट का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है? डिवाइड बाय मास लिखेंगे, फिर ये टेंशन के कोफिशियंट का होल स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाय मास लिखेंगे। 2t है टेंशन के कोफिशियंट का होल स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाय मास लिखेंगे। बताओ टेंशन कितना आया है? तो ये आएगा 50g/13। A3 कैलकुलेट करो, चूंकि A3 का आंसर इन्होंने दे रखा है, तो A3 में हम पुट कर देते हैं, ठीक है? तो A3 है 2t - 5b = 5A3। तो ये अच्छा नेगेटिव आ रहा है क्या? पॉजिटिव आ रहा है? नहीं सर पॉजिटिव आ रहा है। सर नेगेटिव आ रहा है और सर वो 5G है, 50G नहीं सर, वो 5G। ओके 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 सर ओके। तो ये आ रहा है 7G/13 = A3। तो 70/13 आएगा, 70/5 कैसे आएगा, 50/7 कैसे आएगा? 10kg, 10kg, 5kg सॉल्व करके भी इतना ही आ रहा था क्या? हो सकता है बुक में गलत आंसर लिखा हो। सर डायरेक्ट मेथड वाला दिखा दीजिए आंसर। डायरेक्ट मेथड से ही तो किया, टी तो डायरेक्ट ही निकाला है। हाँ सर बस ये एक मिनट नोट कर ले सर। और कोई शॉर्ट मेथड बता दो। और कोई शॉर्ट मेथड मतलब टेंशन ही निकाल सकते हैं क्या? आप इतने बड़े सवाल के लिए कितना शॉर्ट करोगे? टेंशन डायरेक्टली कैलकुलेट करो, फिर आप जिस बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना हो उसके लिए सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो आंसर यही है बच्चों, अगर हमने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है तो। यस सर सही है, मेरा भी इतनी है। ठीक है चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं। दो क्वेश्चन है इसमें एक्चुअली बनते हैं, एक क्वेश्चन तो ऐसा बनता है। अभी हम फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं सर। हम लोगों को पेपर कब होगा जेईई मेंस का? बेटा जुलाई के बाद होगा, अगस्त में।
होगा या जुलाई में होगा। तब तक पढ़ते रहेंगे सर, टेंशन बहुत हो जाएगी, लोड बहुत। क्या अगस्त तक पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को? हाँ पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए कि भैया इतना टाइम मिल रहा, पढ़ते रहो। चलिए तो ये हमारे पास 10 kg का ब्लॉक है, ये पूरा ब्लॉक है, फ्रिक्शन कहीं नहीं है, फ्रिक्शन कहीं पर भी नहीं है, नो फ्रिक्शन। जी की वैल्यू 10 m/s, ठीक है। तो चलो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। डायग्राम बना लो फटाफट, जल्दी से कॉपी पे सॉल्व करो। इसमें जो मेन होता है ना वो वेज, जो ब्लॉक बी है उसके एक्सेलरेशन, ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन जो है ना वो उसको रिलेट करने की जरूरत होती है। यहाँ पर now find out acceleration of 10 kg and 2 kg. देखिए तो इसमें अगर हम सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं बड़े वाले ब्लॉक का, तो ये इसका वेट लगेगा बेटा 10g, यहाँ पे ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N1। और ऐसे क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया था क्लास में कि जब कोई पुली बॉडी के साथ फिक्स होती है तो जो स्ट्रिंग उससे पास हो रही होती है उस स्ट्रिंग का टेंशन हम पुली पे दिखाते हैं, मतलब पुली को बॉडी के साथ अटैच रखते हैं, ठीक है, इसको अटैच रखेंगे और पुली के पे जो लगने वाले फोर्सेस होंगे वो एक तरह से ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस होंगे लाइक दिस, इस तरह से हम मानेंगे। कौन आया है? ठीक है, तो अब आप देख सकते हो ये जो राइट वाला टेंशन है ना, ये वाला टेंशन, इसकी वजह से ये ब्लॉक आगे जाने की कोशिश करेगा, तो इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन मान लिया कि ये है। एक चीज और देख रहे हो, यहाँ पर ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है ये ब्लॉक बी को पुश करेगा आगे की तरफ, तो एक नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों के बीच में आ जाएगा, तो एक नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक पे ऐसे की तरफ, इस दर की तरफ लगेगा N। तो इस ब्लॉक के लिए अगर मैं न्यूटन लॉ की इक्वेशन लिखूं तो वाई डायरेक्शन में तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्स डायरेक्शन में अगर मैं इसके लिए लिख लेता हूं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
इस पे फोर्स लग रहा है, एक तो टी लग रहा है, आप देख रहे हो ठीक है, एक ये टी लग रहा है और एक एन लग रहा है, तो राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो टी माइनस एन, ठीक है, टी माइनस एन इज इक्वल टू कैपिटल एम ए, यानी टेन ए, एक क्वेश्चन ये आ जाए। y डायरेक्शन में अगर n1 पूछा जाए तो ही क्वेश्चन लिखने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं। अब आप देखो यहाँ पर ब्लॉक b का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो एक तो इसका वेट लगेगा, एक ऊपर टेंशन लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा, इस वाले नॉर्मल का रिएक्शन फोर्स। तो एक चीज यहाँ पे समझने वाली है कि यार इस ब्लॉक में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों एक्सेलरेशन हो, ठीक है, कुछ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी होगा और कुछ वर्टिकल एक्सेलरेशन भी होगा। बस एक बार आपने अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिए है ना, इन टर्म्स ऑफ ए, जो बड़ा ब्लॉक है उसके एक्सेलरेशन से एक बार अगर रिश्ता निकल आया तो फिर आपको फर्दर कोई दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में। तो यहाँ पर एक चीज देख लो जरा ध्यान से कि ये जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है, इसके लगातार कांटेक्ट में है ब्लॉक बी। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, नॉर्मल कंस्ट्रेंट पढ़ा था कि दो सरफेस अगर लगातार कॉन्टेक्ट में है तो उन दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल होगा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ए एक्स की वैल्यू तो डायरेक्टली बेटा ए हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये इसको पुश करते हुए आगे बढ़ेगा, जो बड़ा वाला ब्लॉक होगा छोटे वाले को पुश करते हुए, तो राइट डायरेक्शन में जितना ब्लॉक ए मूव करेगा उतना ही ब्लॉक बी भी मूव करेगा, ठीक है। वाई डायरेक्शन में देख सकते हैं, तो इसको बड़ी आसानी से डिस्टेंस मेथड से देख सकते हैं, लेंथ मेथड से, कि ये वाली डिस्टेंस अगर मैं इसे एक्स मान लू और ये वाली डिस्टेंस जो है ये वाली वाई मान लू, ठीक है, तो अगर ये x है ये y है, तो आप देखो अगर ये ब्लॉक जब आगे मूव करेगा, ये जो बड़ा वाला ब्लॉक जब आगे मूव करेगा, तो जितना x में जो x जितना कम होगा, जैसे सपोज ये 1 मीटर आगे बढ़ेगा या 2 मीटर आगे बढ़ेगा, तो उतना ही y में इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि x प्लस y कॉन्स्टेंट, x प्लस y लेंथ है, तो अगर मैं इसे दो बार डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो जो डी टू एक्स बाई डी टी टू होगा ये इस बड़े वाले ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा, और डी टू वाई बाई डी टी टू जो होगा वो बी का वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा। तो आप देख सकते हो कि ये एक्स घट रहा है वाई बढ़ रहा है, तो एक नेगेटिव साइन आएगा जो अंडरस्टूड होगा। तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, आपको साफ समझ में आ रहा है कि जितना ये लेंथ कम होगी, मतलब ये बॉडी हॉरिजॉन्टली जितना आगे बढ़ेगा, ये वाली बॉडी जितना आगे बढ़ेगी उतना ही ये बॉडी नीचे आएगी, ठीक है, तो ए वाई की वैल्यू भी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए के बराबर होगी। तो ब्लॉक बी का जो एक्सेलरेशन होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल भी ए होगा, वर्टिकल भी होगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए रूट टू हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन 45 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ। इसे टेंशन मेथड से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे अगर आप देखो टेंशन मेथड लगाओ, तो इसके लिए अगर आप टी डॉट ए लिखोगे, तो देखो एक ये वाला टेंशन है जो इसके हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है वेलोसिटी से, तो कोई पावर जनरेट नहीं करेगा वेलोसिटी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लोगे, तो हम टेंशन के केवल वही कंपोनेंट लेंगे जो ए के अलोंग है, तो टी इंटू ए, ये वाला टेंशन और ये वाला ए सेम डायरेक्शन में है। इसी तरह से ये वाला जो टेंशन होगा ये सिर्फ ए वाई के साथ आएगा, ए एक्स के साथ 90 डिग्री है, तो माइनस आ जाएगा, पॉजिट है, टी इंटू ए वाई इक्वल टू जीरो, तो ए वाई की वैल्यू यहाँ से भी आप ए कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग टेंशन मेथड। तो ये आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, और ये बेसिक क्वेश्चन है, ये किसी भी एग्जाम में आपसे बन सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब हम न्यूटन्स लॉ लिख लेते हैं, तो एक न्यूटन्स लॉ तो हमारे पास ये ऑलरेडी लिखा हुआ रखा है, यहाँ लिख लेते हैं इसको, टी माइनस एन इक्वल टू टेन है। अब हम इसके लिए लिखेंगे छोटे वाले ब्लॉक के लिए, तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल इक्वेशन लिखेंगे, तो n इक्वल टू मास इसका 2 है तो 2a आ जाएगा, और y डायरेक्शन में अगर हम लिखेंगे तो 2g माइनस t इज इक्वल टू 2,
तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो एन कैंसिल आउट हो जाएगा, टी कैंसिल आउट हो जाएगा, टू टी इज इक्वल टू 14 ए, टू जी ए इक्वल टू जी बाई 7, यानी कि 10 बाई 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बी का एक्सेलेरेशन जो आ रहा है इट इज ए रूट टू, सो 1.4 इंटू 10 डिवाइड बाई 7 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, तो इट इज 2 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मैंने थोड़ा सा उसको इंटीजर में लिख लिया। तो इस तरह से ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन देखिए आपसे इंटीजर टाइप क्वेश्चन बना के पूछ लिया, क्लोजेस्ट इंटीजर लिखना है तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। इस पूरे सवाल में अगर कुछ काम की बात है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है जहां पर आप गड़बड़ कर सकते हो, तो वो है हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बी इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए, मतलब रिलेशन निकालना ही यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, आप ये देखिए दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, और दोनों में डिफरेंस है। इस बार मैंने क्या किया, ये एक ब्लॉक है हमारे पास, ये मान लेते हैं, सेम क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 kg, ये 10 kg, और इस बार यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया। अब सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, फाइंड आउट इनिशियल एक्सेलरेशन, मतलब छोड़ते ही जस्ट आफ्टर, इनिशियल एक्सेलरेशन बताना है। पिछले सवाल के पिछले सवाल से थोड़ा मिलता जुलता है, इसमें इस तरफ बॉडी को हमने लटका रखा है, इसमें लेफ्ट साइड। अब इसके बारे में आपको 2 मिनट टाइम देता हूँ, आपको है यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक्सेलरेशन कितना होगा, व्हाट विल बी द इंस्ट्रक्शन जस्ट आफ्टर। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अच्छा, मैं न्यूमेरिक डेटा जानबूझ के ले रहा हूँ, क्योंकि जेई में जब क्वेश्चन बनता है वो तो न्यूमेरिक डेटा ही देते हैं, मतलब एम 2m 3m इस तरह से बहुत कम वैल्यूज दी जाती है, 100% केसेस को 99% सवालों में वो वैल्यूज दे के सॉल्व कराते हैं, हमेशा अंकों में कैलकुलेशन कराते हैं। सर, इसमें 2 kg और 10 kg वाले ब्लॉक से बीच नॉर्मल नहीं लगेगा ना? यही तो इम्पोर्टेंट बात है, नहीं लगेगा नॉर्मल, यही तो खास बात है। अगर आप बड़े वाले ब्लॉक को देखोगे तो बड़े वाले ब्लॉक को जब FPD बनाओगे ऐसे, तो जब ये टेंशन ऐसे इधर धकेलेगा ना, इधर खींच लेगा एक्सेलरेशन ऐसे, तो ये ब्लॉक यहाँ पे कॉन्टेक्ट छूट जाएगा, ठीक है, और ये वाली लेंथ जब कम होगी तो ये लेंथ बढ़ेगी, तो ये ब्लॉक सीधे नीचे आएगा,
मतलब इसके पास इस बार 2 kg वाले ब्लॉक को कोई पुश नहीं कर रहा होगा, इनफैक्ट देयर विल बी नो नॉर्मल रिएक्शन, ये वर्टिकल वॉल है, तो इनिशियली बाद में वो एक हैंग करने लगेगा, मतलब वो पेंडुलम टाइप बन जाएगा, वो अलग बात है, वो ऑसिलेट करने लगेगा, पेंडुलम वाला मोशन में आ जाएगा, नीचे भी जाएगा और वो इधर उधर भी जाएगा, इसीलिए इसमें इनिशियल शब्द का प्रयोग किया गया कि इनिशियल एक्सेलरेशन बताना। तो इनिशियली तो क्या होगा कि ये इधर इसकी टेंडेंसी इधर राइट में होगी और ये इसमें यहाँ गैप बन जाएगा और इसकी टेंडेंसी डाउनवर्ड होगी, मतलब इसमें यही अंतर है कि 2 kg ब्लॉक विल नॉट हैव एनी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन बिकॉज देयर विल बी नो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द 2 kg एंड 10 kg ब्लॉक। ठीक है, तो 2 kg 10 kg के बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलो एक मिनट, तो अब क्या है, बिल्कुल सिंपल है, अब तो बस रिलेशन निकालना है एक्सेलरेशन में और न्यूटन्स लॉ लिखना है। अच्छा देखते हैं भाई, लेट्स सी, देखिए 10 kg के लिए अगर हम न्यूटन्स लॉ लिखेंगे तो 10 kg का तो मैं फ्री बर्ड डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे, ये 10g लगेगा, ये एक नॉर्मल लगेगा, एक टेंशन उधर लगेगा, कोई फोर्स छूट तो नहीं रहा, नहीं, तो टी इज इक्वल टू 10a अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए मान लेता हूँ, फिर जो ब्लॉक 2 kg वाला है उसमें ऐसे लगेगा, ये टी लगेगा, तो इसका वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा ये भी एक इक्वल होगा। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है कि ये वाली लेंथ में जितना कम आएगा ये L1 जितना डिक्रीज होगी ये L2 उतना ही बढ़ेगी, तो सेम मूवमेंट होगा 2 kg ब्लॉक का, सेम एक्सेलरेशन भी आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, तो 2g माइनस टी इज इक्वल टू 2a, तो टी रख देते हैं, तो 2g इज इक्वल टू 12a बन जाएगा, a इक्वल टू 3/6, करेक्ट, ठीक है, g बाई 6 ही आएगा। चलिए सर, ये टेंशन मेथड से एक्सेलरेशन कैसे पता कर सकते हैं कि उसका भी सेम होगा? हाँ, इसे ऐसे टेंशन मेथड लगा लेंगे। ठीक है, देखो टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट लिख लिया करो इनिशियल कंडीशन में, अगर पूछा गया है तो टी, देखो दो टेंशन लग रहे हैं, ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये वाला टेंशन जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है तो टी इंटू ए आ जाएगा, इसके साथ जो 90 degree पे है तो ये कोई पावर जनरेट नहीं करेगा तो इसका 0 लग दोगे, तो टी इंटू ए हो गया इस वाली ब्लॉक के लिए, इसमें मान लो कुछ ए टू, ये टेंशन और A2 अपोजिट डायरेक्शन में, तो cos 180 माइनस हो जाएगा, तो माइनस टी A2 इक्वल टू 0, तो A2 इक्वल टू ए आ जाएगा। इसे टेंशन सर, वो कोई पावर नहीं जनरेट करेगा मतलब? अरे टेंशन, अभी वो तुम ऐसे समझ लो कि टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट ऐसे लिखते हैं, सिग्मा टी डॉट इक्वल टू 0, ये आता है यहां से, सिग्मा टी डॉट v इक्वल टू 0 करके आता है। तो ये तो बताया था ना उसे, छोटा सा डाउट रह जा रहा सर, ये मूविंग पुली वाले में सर कैसे लगाते हैं, कोई शॉर्टकट मेथड उसमें कहीं कहीं गलत हो जाता है मैक्सिमम टाइम में, और उसमें अगर बेसिक से जाते हैं तो बहुत टाइम लगता है। मेरी बात सुनो, शॉर्टकट मेथड इज नॉट एप्लीकेबल ऑलवेज, हमेशा याद रखो एडवांस के क्वेश्चन में कोई शॉर्टकट काम नहीं आता, पहली बात, तो कोई भी ट्रिक ऐसी नहीं है जो फुल प्रूफ हो जो सारे सवालों को सॉल्व कर दे, इसीलिए बेसिक मेथड बनाया जाता है। कभी भी आपको लगे कि शॉर्टकट नहीं लग रहा है तो मत लगाइए शॉर्टकट, मेरा हमेशा सजेस्ट है, मैं इसीलिए कभी कभी क्लास में बताते नहीं हूँ शॉर्टकट, ये तो मैं एग्जाम का टाइम इसलिए बता दे रहा हूँ, वरना मेरा सजेशन ही नहीं रहता इस तरह का। अब जो हम आपको शुरुआत वाली, इसमें अगर मैं एक फोर्स एफ लगा दू ना अलग से, तो ये पूरा ट्रिक ये फेल हो गई, पूरी ट्रिक तुम्हारी खत्म,
फिर आपको एक बेसिक तरीके इसी तरीके से गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए आईआईटी के पेपर में कभी लेंथी क्वेश्चन नहीं आते उतने, उतना टाइम आपको मिलेगा जितना टाइम आपको कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करने के में आ जाएगा आंसर। इसलिए ये मत सोचो कि बहुत बड़े क्वेश्चन आते हैं, अच्छे सवाल आते हैं जिनमें दिमाग लगाना पड़ता है सर। ठीक है, बाकी कोई फिक्स मेथड नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन के लिए मेथड अलग अलग। ये तो 90 वाली तक भी नहीं समझ में आ रही थोड़ी सी। हां, ये नीचे जो फोर्स लग रहा है टी का ए के साथ प्रोडक्ट क्यों नहीं लिया गया? अरे पगलाऊ, तुम देखो फिर तुम्हें पूरा शुरू से पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ा तो चुके हैं आयुष, तुम भूल कैसे गए? सर थोड़ा सा बता दीजिए। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है वर्क डन बाय ऑल इंटरनल टेंशन इज जीरो। हाँ, तो जो पावर होती किसी फोर्स की वर्क डन है तो रेट ऑफ वर्क डन भी जीरो होगा। ऑल टेंशन अगर इनएक्सटेंसिबल थ्रेड्स है तो सभी की पावर जीरो होती है, ठीक है, और किसी फोर्स की पावर होती है बॉडी पे अगर फोर्स एफ लग रहा है तो एफ डॉट वी होती है। इसका मतलब है सभी भी ब्लॉक पर टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट का सिग्मा जीरो होना चाहिए। अब ये होता है टी वी कॉस थीटा, तो टी वन वी वन कॉस थीटा या टी आई वी आई कॉस थीटा आई का सिग्मा जीरो करना है हमको। अच्छा, टी और ए के बीच का एक्सेलरेशन जो एंगल है वो 90 है, ठीक है। हाँ, अब जैसे किसी बॉडी की अब जैसे मान लो इनिशियल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो जब ये टी जैसे टी वन वी वन कॉस थीटा वन प्लस टी टू वी टू कॉस थीटा टू एंड सो ऑन, ये जीरो कर दिया हमने। अब अगर टेंशन कांस्टेंट है, थीटा चेंज नहीं हो रहा है, तो केवल वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसे जब डिफरेंशिएट करते हो तो यही रिलेशन एक्सेलरेशन में आ जाता है। हाँ याद आ गया, समझ गया। अबे तो जब टेंशन 90 डिग्री पे होगा तो कॉस थीटा जीरो नहीं कर देगा यार? हाँ समझ गया समझ गया। जब थीटा जीरो होता है तो पॉजिटिव आता है, थीटा 180 होता है तो नेगेटिव आता है, और थीटा 90 होता है तो जीरो आता है। हालांकि ये बात गलत हो जाती है एंगल वाले केस में, क्योंकि वहां एंगल भी चेंज होता रहता है, लेकिन हमने इसीलिए इनिशियल शब्द का प्रयोग किया। इनिशियल में क्या है कि थीटा हमारा थीटा 90 डिग्री है, इसलिए इनिशियल की बात हो रही है। अभी हम एक दो कैलकुलेशन करेंगे, उसमें बताएंगे कि ये वाला रिलेशन से ये वाला रिलेशन हमेशा ट्रू नहीं होता, क्योंकि जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें कॉस थीटा भी वेरिएबल हो सकता है। तो अभी हमने ये मान के किया है कि थीटा वन थीटा टू चेंज नहीं हो रहे। चलिए एक बढ़िया सवाल हम देते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वन सेकेंड, इसमें आपको एक कैलकुलेशन ये दिया है। There are two pulleys. एक ग्राउंड मान लेते हैं, इसका मास स्मॉल एम है और ये बड़े वाले ब्लॉक का 2m मास, और एक एफ फोर्स हम यहाँ पे लगा के इसको पुल कर रहे हैं। तो अभी आपको बताना है फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम।
एफ बाई थ्री एम करेक्ट आंसर सर एफ बाई थ्री एम कैसे निकाला सर कांस्टेंट सेम एक्सेलरेशन सेम एक्सेलरेशन ही होगा क्या यस सर कांस्टेंट जिस एक्सेलरेशन से बड़ा वाला जाएगा उसी से छोटा वाला भी जाएगा क्योंकि उसमें कहीं भी पुली मूव नहीं कर रही है स्ट्रिंग स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट बना मतलब जितना बढ़ रहा है उधर उतना घट भी रहा है तो ओवरऑल फोर्स जो लग रहा है और मास ये वाली लेंथ जो है बढ़ रही है और ये वाली लेंथ घट रही है बाकी किसी लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे ये वाली लेंथ भी है सर आपने तो कहा था लेंथ मेथड जो होता है वो सिर्फ 1% क्वेश्चंस में यूज किया जाता है तो तुम चाहो तो टेंशन मेथड यूज कर लो इसमें मना कब किया है लेकिन इसमें देख बोल रहे थे ना कि टेंशन मेथड बहुत कम यूज करते हैं हम लोग कौन सा मेथड अरे मतलब लेंथ मेथड बहुत कम यूज करते हैं हाँ तो कम ही यूज करते हैं बेटा लेकिन कुछ क्वेश्चंस में जैसे आसानी से हो जाता है तो उसको लगा सकते हो इसमें लगा लो टेंशन मेथड लगा लो बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ अलग अलग दोनों ब्लॉक का एम वाले पे दो फोर्सेस लग रही हैं एक टी और एक एफ देखिए 2m वाले पे दो फोर्सेस लग रहे हैं एक टी और एफ अरे नहीं बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं तुम देख नहीं पा रहे हो देखो एक पुली यहां है एक टी ऐसे लग रहा होगा एक टी ऐसे लग रहा होगा अगर स्प्रिंग में टेंशन टी मान लें एक पुली यहां पे है एक टेंशन ऐसे लग रहा होगा सॉरी ऊपर लग रहा है ये एक टेंशन ऐसे लग रहा है और एक टेंशन ऐसे लग रहा है और एक टेंशन ऐसे लग रहा है अब अगर आप ध्यान से देखो तो एक ये वाला टेंशन इस टेंशन से कैंसिल आउट हो जाएगा ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ यही रिजल्टेंट टेंशन आएगा ये वाला और ये एक्स एफ फोर्स लग रहा है मान लेते हैं एक्सेलरेशन है तो इसके लिए हम अप्लाई लिखेंगे F माइनस T इज इक्वल टू 2m छोटे वाले ब्लॉक को अगर हम देखेंगे सिर्फ एक टेंशन ऐसे लग रहा है एक ब्लॉक इधर लग रहा है एक नॉर्मल मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन a2 है अब अगर हम कंस्ट्रेंट मोशन लगाए हैं मतलब टेंशन ट्रिक मेथड लगाएंगे तो देखो इस वाले पे सिर्फ एक ये वाला टेंशन लग रहा है और एक्सेलरेशन के अपोजिट है तो लिखेंगे टी माइनस टी इंटू ए प्लस इस वाले में अगर हम देखेंगे तो T और A सेम डायरेक्शन में है टी ए टू इक्वल टू जीरो ए टू की वैल्यू हमारी A के बराबर आएगी लेकिन उससे पहले हम बढ़िया अच्छे से टेंशन बनाएंगे सारे ब्लॉक इस पे ठीक है इस पे हमने वेट वेट नहीं बनाया है क्योंकि वो वर्टिकल डायरेक्शन में हम एक्सेलेरेशन नहीं लगाने वाले हैं तो इस तरह से आप देख रहे हो ब्लॉक का एक्सेलेरेशन लेफ्ट डायरेक्शन में उतना ही होगा जितना कि बड़े वाले का होगा ठीक है तो छोटे वाले के लिए अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो ये T इज इक्वल टू आ जाएगा एम इन टू ए तो ए की वैल्यू शायद एफ बाई थ्री एम आ जाएगी आयुष जी समझ गए यस सर हाँ तो कर सकते हैं ऐसा नहीं है सर मेरे वाले डाउट्स कब बताएंगे बताएंगे बेटा बता देंगे क्लास के अंदर
इधर 37 डिग्री है, जी की वैल्यू 10 मान लीजिए, और एक पुली यहाँ पे लगी हुई है, एक पुली यहाँ पे लगी हुई है, क्लैंप है, एक पुली यहाँ पे लगी हुई है, फिर ये फिनिशर गाड़ी। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। तो जो ब्लॉक ए का मास है वो है हमारा 10 किलोग्राम, और ब्लॉक बी का जो मास है वो है हमारा 30 किलोग्राम। ठीक है, तो अब आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। अच्छा सर, हाँ बेटा, ये भी तो कॉन्सेप्ट आपने बताया था कि सेम स्ट्रिंग तो सेम एक्सेलरेशन। नहीं, अरे सेम टेंशन। हाँ, वो मासलेस स्ट्रिंग अगर है तो टेंशन यूनिफॉर्म होता है, मतलब एक्सेलरेशन के लिए ट्रू नहीं है ये बात। नहीं नहीं, वो डिपेंड करता है कनेक्टेड किस तरह के। ठीक है सर, थ्री जी बाई फाइव किसका एक्सेलरेशन? बी का, मतलब जो पूछा है। यस सर, आंसर तो नहीं पता मुझे इसका। थीटा के टर्म में कितना आएगा? सर वही साइन थीटा लेंगे आपका। जी साइन थीटा है, क्या बात कर रहे हो यार। निहायत ही गलत है। सर 54G by 150। ये बहुत थीटा के टर्म में निकाला है क्या, कि सीधे सॉल्व कर दिया है? सीधे सॉल्व किया, मतलब थीटा पहले ही रख दिया था। हाँ सर। अच्छा, एक्चुअली इसमें जो आंसर दिया वो सिंबल में दिया है, थीटा वीटा में बाद में थीटा की वैल्यू रखी होगी। सर 3G by 10
3G/10 तो गलत लग रहा है, हो भी सकता है, मैं कुछ बता नहीं सकता। एक्चुअली इसका आंसर इन टर्म्स ऑफ थीटा है, अगर मैं इसका एक्सेलरेशन ए मान लूं तो ए है इसका शायद जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4-2 कॉस थीटा। अब रख दो साइन 37 होता है 3/5-4 8/5 तो 5/20 12/5 आएगा, 5/5 कट जाएगा, 3/12 लग रहा है, 3/4 आएगा। जी बाई फोर इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन तो मैं क्लास में ही डिस्कस कर देता हूं यार, फिर भी नहीं कर पा रहा हूं, देखो पढ़ाई हुई चीज ही नहीं कर पाते हो। अच्छी बात तो यही है, तुम लोगों का टैलेंट तो यही है। इसके लिए मैंने एक सिंपलेस्ट सॉल्यूशन बताया था, जनरल न्यूटन्स लॉ फॉर ए मल्टी बॉडी सिस्टम। देखिए इसमें अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ये टेंशन चलिए टी लग रहा है, ये टेंशन टी है, ये टेंशन टी है। सबसे पहली बात यहां पर, यहां दोनों मेथड से आप समझ सकते हो, अगर मैं इस ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन मैंने ए माना है तो पहली बात है कि ये लेंथ अगर हम देखें L1 और ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है, तो L2 फिक्स रहेगा, दो पुली के बीच का डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। L1 अगर ये ब्लॉक X मूव किया है पर एक्सेलरेशन आ कितना रहा है, G/4 गलत आ रहा है क्या? ना ना सही आ रहा होगा, अभी निकालते हैं। तो ये अगर x मूव कर रहा है तो देखो L1 घट जाएगा x से, L3 घट जाएगा x से, तो L1 L3 चूंकि टोटल सम कांस्टेंट है तो L4 को 2x बढ़ेगा, तो ये 2x इधर की तरफ जाएगा, मतलब इसका प्लेन डाउन द प्लेन एक्सेलरेशन 2a होगा, लेकिन ये b के रिलेटिव में होगा, है ना, b के ऊपर ये मोशन कर रहा है तो b के रिलेटिव में, तो एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b जो होगा डाउन द प्लेन 2a होगा, लेकिन ये b के साथ साथ भी आगे की तरफ भी आ रहा होगा, तो a के पास दो एक्सेलरेशन होंगे, एक तो ये डाउन द प्लेन 2a होगा 37 डिग्री पे, और एक हमारा ये एक्सेलरेशन a होगा जो b के साथ साथ आ रहा होगा। इसे टेक्निकली ऐसे कह सकते हो कि ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन अगर हम ग्राउंड के रिलेटिव में निकाल रहे हैं, तो अगर ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन बी के रिलेटिव में हमें पता है और उसमें बी का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिलेटिव में ऐड कर देंगे तभी हमारा ग्राउंड के रिलेटिव में आएगा। तो ए का एक्सेलरेशन बी के रिलेटिव में है वो डाउन द प्लेन 2a होगा, और बी का ग्राउंड के रिलेटिव में लेफ्ट ए की डायरेक्शन में है, तो बड़ी आसानी से आप ये इन दोनों वेक्टर का रिजल्ट ले सकते। तो यहाँ पर ये मैं अगर चाहूंगा तो कंपोनेंट कर सकता हूँ 2a के, ये डिपेंड करता है मैं किसके कंपोनेंट करना चाहता हूँ, वो डिपेंड करेगा कि मैं x और y में मोशन लिखना चाहता हूँ कि किसी और डायरेक्शन में। इसके लिए मैंने सबसे सरल तरीका बताया था, एक न्यूटन्स लॉ फॉर ए जनरल सिस्टम, न्यूटन्स लॉ फॉर ए मल्टी बॉडी सिस्टम पढ़ाया था, मल्टी बॉडी सिस्टम के लिए न्यूटन्स लॉ लिखते हैं।
वो होता है अगर किसी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो और बहुत सारी बॉडीज हो, तो M1A1 + M2A2 + M3A3, और ये सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में इसकी प्रूविंग भी की थी. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. ये होता है न्यूटन्स लॉ फॉर ए जनरल सिस्टम ऑफ हैविंग मल्टीपल बॉडीज. अब अगर आप यहाँ पर देखें तो पहली इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं कि हम ब्लॉक इस पूरे को सिस्टम मान रहे हैं. अगर आप यहाँ ध्यान से देख रहे हैं तो ये ऐसे कनेक्टेड है, एक टेंशन पुली पे ऐसे लगेगा, ब्लॉक पे ऐसे लगेगा, तो ये टेंशन तो खत्म हो जाएगा, एक टेंशन ऐसे लगेगा, एक इधर से लग रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने दोनों ब्लॉक को मिला के सिस्टम माना है. ये हमारा 30 kg है और ये हमारा 10 kg. अब देखिए, ठीक है, बाकी इन दोनों के बीच का नॉर्मल इंटरनल है, एक इसका वेट लगेगा, एक इसका वेट लगेगा, ग्राउंड से नॉर्मल लगेगा. मैं क्या कर रहा हूं, न्यूटन्स लॉ लिख रहा हूं अलोंग हॉरिजॉन्टल पूरे सिस्टम के लिए. सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है, पूरे सिस्टम के लिए लिख रहा हूं. तो देखो सिस्टम पे जो फोर्स लग रहे हैं ये लग रहे हैं 2T एक्स डायरेक्शन में, और 30 × A, इसका एक्सेलरेशन ए है, और 10 केजी वाले ब्लॉक का ए इस डायरेक्शन में है, 2A इस डायरेक्शन में है, तो ये 37 है, तो ये इस डायरेक्शन में 2A cos 37 आएगा, इस डायरेक्शन में 2A sin 37 आएगा, तो 2A × 4/5 होता है, तो 8A/5, तो ये इधर की तरफ आ जाएगा. 10 केजी वाले का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन A − 8A/5. तो एक इक्वेशन तो आ जाएगी पूरे सिस्टम के लिए, हमने एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन निकाल दी, ये न्यूटन्स लॉ फॉर द होल सिस्टम अप्लाई करते हुए. एक इक्वेशन हम लिखेंगे सिर्फ ब्लॉक बी के लिए, न्यूटन्स लॉ मोशन फॉर ब्लॉक बी. इसके कई तरीके हो सकते हैं, आप कुछ लोग स्यूडो फोर्स प्रेफर करते हैं. तो यहां पर क्या है कि अगर मैं ब्लॉक बी को देखूंगा तो एक mg साइन थीटा लगेगा, एक टेंशन लगेगा, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, अब हम एक्सेल न्यूटन्स लॉ प्लेन के अलोंग लगाना चाहते हैं, सिर्फ ग्राउंड के फ्रेम में सारे न्यूटन्स लॉ लगा रहे हैं, ठीक है. तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इसके पास जो नेट एक्सेलरेशन हमें लिखना पड़ेगा, नेट एक्सेलरेशन में हमें सारे एक्सेलरेशन के कंपोनेंट प्लेन के अलोंग और प्लेन के परपेंडिकुलर करने पड़ेंगे. तो इस बार हम 2a का कंपोनेंट ना करके a का करेंगे, तो a cos 37 a sin 37, तो डाउन द प्लेन इक्वेशन आएगा 10g sin 37 - t = 10, 2a - a cos 37. तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने सिर्फ दो इक्वेशन लिख करके, एक ये और एक ये इक्वेशन लिख करके फटाक से a की वैल्यू आ जाएगी. दिस इज द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम. इससे सरल सॉल्यूशन होना सूडो फोर्स से लगाओगे ज्यादा इक्वेशन बनेगी, अदर कॉन्सेप्ट लगाओगे तो जा. यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी मेन है कि हाउ टू फाइंड रिलेशन बिटवीन 10 kg एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक एंड 30 kg ब्लॉक. तो ये चीज आपको समझनी है, ठीक है. तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है. हीरोडो में भी इस तरह क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और जेई एडवांस में मेंस दोनों में आने के पूरे चांसेस रहते हैं. चलिए तो अगला सवाल करते हैं. इसी कॉन्सेप्ट पे मैं एक क्वेश्चन और रिवीजन करा देता हूं, ये भी मैंने क्लास में करा रखा है कि अगर इस तरह का सवाल दिया जाए तो फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. आवाज कैसी है?
कैसा 2 kg वाला ब्लॉक हिलना नहीं चाहिए अपनी जगह से? नहीं नहीं सब हिल रहा है, सब सरफेस है, ऑल सरफेस स्मूथ, दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है नेट। मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मुझे फाइनल आंसर चाहिए। एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg से ये कह रहा हूँ सर, माल 11 बजे आ रहा कोई। सर सर छोटे वाले का जो एक्सेलरेशन बड़े वाले के रिस्पेक्ट में आ रहा है वो 67/143 अलग अलग निकाले दोनों का निकालना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जी सर। वेज का आ रहा है 240
बटे 143 और वो ब्लॉक का रहा है 1050 बटे 143। हाँ बेटा सर, वेज का आ रहा है 240 बटे 143 और ब्लॉक का आ रहा है 1050 बटे 143। वेज का आ रहा है 243 बटे 143 और ब्लॉक बी का आ रहा है 240। बी का आ रहा है सर 1050 अपॉन 143। देखते हैं, लेट्स सी। देखिए भाई, बेटा मुझे आंसर तो सर थीटा के टर्म में बताएं। थीटा के टर्म में बता दो। अच्छा सर, वेज का होगा एम जी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा। एम जी साइन थीटा कॉस थीटा हाँ अपॉन एम प्लस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा। और सर ब्लॉक का होगा कैपिटल एम प्लस एम जी साइन थीटा। ठीक है, एक आ जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, एक ही निकालेंगे। देखो बेटा, इसमें हम ये मान ले रहे हैं कि पहले इसका एक्सेलरेशन लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, ये लेफ्ट इसके वेट पुश की वजह से लेफ्ट में भागेगा और ये नीचे भी उतरेगा, तो ये एक्सेलरेशन है रिलेटिव मान लेते हैं इसका, ए रिलेटिव डाउनवर्ड होगा। मतलब ये जो ब्लॉक होगा ना, ये वेज के रिलेटिव में डाउन द प्लेन स्लिप करेगा और वेज की वजह से लेफ्ट भी आएगा, तो एक्सेलरेशन जो ए का आएगा, नेट एक्सेलरेशन, सॉरी बी का, तो बी का एक्सेलरेशन ए के एक्सेलरेशन, इधर ए रिलेटिव है, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और इधर की तरफ एक वेक्टर वार ऐड हो जाएगा जो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो भैया यहाँ पे आप समझ लो, अब हम लगाएंगे अप्लाई करेंगे, देखो बेसिक एकदम बिल्कुल सही वाले मेथड, सिंपल वाला, हम इस पूरे ब्लॉक के पूरे सिस्टम के लिए एक्स डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, एक्स डायरेक्शन में। तो देखो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसका वेट वाई डायरेक्शन, इसका वेट वाई डायरेक्शन में लग रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन ग्राउंड से लगेगा, वो भी तुम्हारा डायरेक्शन अलग हो, मतलब वाई डायरेक्शन होगा, इन दोनों के बीच का नॉर्मल इंटरनल फोर्स होगा यहाँ पे, है ना, तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं, तो हम लगाने जा रहे हैं एफ एक्सटर्नल इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू। ये चीज जीरो है, 5 kg का एक्सेलेरेशन लेफ्ट डायरेक्शन को अगर निगेटिव मान लें, राइट पॉजिटिव मान लें, या लेफ्ट ही पॉजिटिव मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो 5a + 2 राइट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन लिख लेना, तो ए माइनस ए आर कॉस 37 ये आ जाएगा, एक इक्वेशन ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ रहा है 7a =
2 AR cos 37 है 4/5 और 35 A इक्वल टू 8 AR। चलो एक रिलेशन ही आ गया। अब छोटे वाले ब्लॉक के लिए लिख ले रहे हैं, तो छोटे वाले ब्लॉक के लिए प्लेन के डाउन द प्लेन लिख रहे हैं, तो ये है 2G sin 37। और ग्राउंड के फ्रेम में लिख रहे हैं तो कोई सूडो नहीं लगाएंगे, तो 2G sin 37 फोर्स हो गया, मास हो गया 2, एक्सेलरेशन लिखना है डाउन द प्लेन। अब देखो बहुत सारे बच्चे गड़बड़ी करते हैं, उन्हें लगता है कि ये तो एक्सेलरेशन ही आ रहा है इसका डाउन द प्लेन, पर हमें ग्राउंड के फ्रेम में लिखना है, तो हमें रिजल्टेंट लिखना है AR और A का प्लेन के अलॉन्ग। तो इस बार हमें प्लेन के अलॉन्ग और प्लेन के परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट करने पड़ेंगे, तो ये A cos 30 थीटा आएगा, 2A - AR cos θ। तो ये आ गया 20 sin 37 हो गया 3/5, 2A - 2, चलो 2 से डिवाइड ही मार देते हैं इधर, A - 4AR / 5, तो 10, ये 6 आ जाएगा, 10 × 3 = 30/5, 6 आ जाएगा, AR - 4AR / 5, 8AR, 4AR - AR, ये A। अब अगर मेरे को A चाहिए तो AR की वैल्यू 35A/8 लिख देते हैं, 35A / 8, तो ये 4 × 2 = 5, 7 जा। अभी नेगेटिव कैसे आ गया? माइनस ये तो नेगेटिव ही है ना, नेगेटिव डायरेक्शन। नहीं नहीं नहीं, वो तो डायरेक्शन हमने पहले ले रखी है ना, तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। देखो कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है, पहली वाली इक्वेशन देखो जरा, 5A + A - AR cos 37 7A = 2AR cos 37 cos 37 4/5 है, ठीक है, तो पहली क्वेश्चन तो करेक्ट आ रही है। टू जी साइन 37 इज इक्वल टू 2 times A - AR cos 37 20 × 3/5 2A - 4AR / 5 ये आएगा, तो ये A से कर दिया डिवाइड 10, तो 6 हो गया, 6 इक्वल सर लेफ्ट को निगेटिव मार दिया, नहीं तो उससे क्या होगा, सब कन्वर्जन फेल हो जाएंगे, नहीं तो ये बड़े वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ये A आएगा तो नेगेटिव साइड में जा रहा, तो नेगेटिव साइन आएगा ना इसमें, नहीं 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 ये देखो ये गड़बड़ी की है, ये देखो ये नीचे की तरफ लिखा है ना, एक्सेलरेशन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये AR - A cos θ होगा। और हमेशा याद रखो जब हम साइन डायरेक्शन पहले से अज्यूम कर लेते हैं तो फिर वैल्यू आती है, नहीं माइनस माइनस नहीं आता है, माइनस आने का मतलब है डायरेक्शन अपोजिट में बॉडी मूव कर रही है, इसलिए ये देखो यहाँ गलती है, ये हमारा है AR - A cos θ, गड़बड़ी ध्यान नहीं दिया जल्दी में, ये गलत है। ये डाउन द प्लेन लिखना है ना, तो AR में से A cos थीटा घटाएंगे, तो 2AR - A cos θ, तो AR - 4A / 5, अब ठीक है, अब आ जाएगा ये 6 आ जाएगा, AR की वैल्यू रख देते हैं 35A / 8 - 4A / 5, तो ये एलसीएम आ जाएगा 40, 5 से मल्टीप्लाई करो 35 को, 175A - 32A,
ए आ रहा है 240 डिवाइड बाय 143। बिल्कुल करेक्ट आया भाई अमय शुक्ला का। वेरी गुड शुक्ला जी। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हमारा आंसर आ गया है, इस तरह से एआर भी आ जाएगा। तो खास बात यह है कि देखिए मैंने इसको दो ही इक्वेशन इस्तेमाल की है, एक इक्वेशन इस्तेमाल किए सिस्टम के लिए, उसे नॉर्मल हो गया इंटरनल बीच वाला तो एक्स डायरेक्शन में इस्तेमाल की, और एक इस्तेमाल किए छोटे वाले ब्लॉक के लिए डाउन द प्लेन। इससे मैं मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशंस में ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, ना ही मैंने कोई सूडो फोर्स यूज किया है क्योंकि मैंने सारा क्वेश्चन ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व किया है, और ना ही मैंने कुछ दूसरी बातें इसमें एक्स्ट्रा बातें इस्तेमाल करी। हाँ, चूंकि जो ऊपर वाला ब्लॉक रखा है इसका ग्राउंड के फ्रेम में पहले से मोशन नहीं पता है किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि पहले हम इसका एक्सेलरेशन वेज के रिलेटिव में हमने मान रखा है, तो फिर उसको रिलेट कर लिया रिलेटिव मोशन के फॉर्मूले से, वेज का एक्सेलरेशन जोड़ के ग्राउंड के रिलेटिव में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। इस न्यूटन्स लॉ फॉर ए मल्टी बॉडी सिस्टम पे एक बहुत ही सड़ा सवाल बनता है, सड़ा सिंपल सवाल बनता है, ये तो सभी को कर लेना चाहिए, सबका आसानी से आ जाना चाहिए। मैं बस दे देता हूँ जस्ट फॉर रिवीजन, इस तरह क्वेश्चन क्लास असाइनमेंट हर जगह। मान लिए थे कि स्प्रिंग है ये, और यहाँ पर अगर तीन मंकी हैं, 10 kg वाला मंकी ऊपर की तरफ जा रहा है 4 m/s² से, स्प्रिंग का मास 20 kg है, दूसरा मंकी 20 kg है, ये डाउन जा रहा है 1 m/s² से, तीसरा मंकी 30 kg का है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर चल रहा है। तो हमको बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पे टेंशन बताना है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होगा। चलो भाई, तो बिल्कुल सिंपल सवाल है यार, ये तो करना ही चाहिए आपको। बताओ भाई क्या आएगा? सर 220 है। देखते हैं, मुझे याद नहीं है सर। 220 नहीं आएगा बेटा। सर 820। एक बच्चा 220 बता रहा जो बिल्कुल गलत है, एक बच्चा 820 बता रहा जो मे बी ट्रू। सर 820। 820 पे दो वोट है भैया। देखो अगर हम इसको सिस्टम माने तो ये अगर एक सिस्टम मान रहे हैं चलो, तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा जो ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन होगा, वो टोटल वेट तो 30, 20, 50, 10, 60 और 20, 80 स्प्रिंग का मिला के 80 g, ये तो वेट हो गया। ये भी एक्सटर्नल होता है, अर्थ अप्लाई करती है, बाकी सारे फोर्स इंटरनल हो जाएंगे। तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ एफ एक्सटर्नल इक्वल टू m1a1 + m2a2 एंड सो ऑन, जितनी भी बॉडी, चार बॉडी है, तीन मंकी एक स्ट्रिंग को भी बॉडी मानेंगे, तो TP - 80g = स्ट्रिंग का मास 0 है, मंकी का मास एक्सेलरेशन +4 है, अपवर्ड पॉजिटिव लिया है, दूसरे वाले मंकी का -1 है, 0। तो m1a1 + m2a2 + m3a3 + m4a4, तो TP जो आ जाएगा बेटा 820 आएगा। गुड,
जपनीज समझ में आ रही गलती? यस सर। ठीक, बहुत बढ़िया, गलती समझ में आनी बहुत जरूरी है। चलिए तो कुछ थोड़ा सा मिक्सअप करते हैं। एक क्वेश्चन मैं थोड़ा फ्रिक्शन का भी आपसे पूछना चाहता हूँ, कॉन्सेप्चुअल जो मेंस में आ सकता है। टू ब्लॉक प्रॉब्लम बड़े ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। फ्रिक्शन पढ़ाया नहीं अभी आपने सर, टू बॉडी तो बिल्कुल ही नहीं कराया। अरे तुम लोग समझदार हो, कर लोगे, करा देंगे, इसकी क्लास अलग से ले लेंगे तुम लोग की। और आयुष आयुष ये तो तुम बोला नहीं करो पढ़ाने, अब तुम जनवरी में आओगे और सितंबर में पढ़ा दिया तो तुम क्या करोगे बे? अरे सर फिर भी तो फिर भी यहाँ तुम्हें दोबारा पढ़ा देंगे, ये कहो ये क्या कहते हो पढ़ाया नहीं हमने क्लास में तो पढ़ाया। चलिए ये बेटा हमने 100 न्यूटन का नहीं नहीं 40 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो है, यहाँ पे फ्रिक्शन 0.4 है। अगली क्लास में मैं इसमें टू बॉडी पढ़ा दूंगा, मतलब मल्टी ब्लॉक क्वेश्चन ही कराऊंगा सारे के सारे, पढ़ा भी दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टैक ऑफ ब्लॉक्स वाले क्वेश्चन करेंगे, ब्लॉक ओवर ब्लॉक इन फ्रिक्शन। फिलहाल ये क्वेश्चन कर लेते हैं आज, और क्लासेस भी हैं 2-3 आज, तो ज्यादा क्लास नहीं ले सकता मैं, बड़ लंबी नेट खत्म हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले कि इस यहाँ पर अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.6 है तो हमें बताना है कि इसका एक्सेलेरेशन A1 कितना होगा, इसका एक्सेलेरेशन A2 कितना होगा। अरे माइक ऑफ करो ना, ये खर खर की आवाज आ रही। तो अगर हमने इस पे बच्चों फोर्स लगाया है तो ये जो 5 kg वाले ब्लॉक को फ्रिक्शन आगे ले जाएगा, इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा। और 10 kg वाले ब्लॉक कोफिशिएंट दोनों ब्लॉक के बताएं क्या अलग अलग? नहीं नहीं, दो सरफेस के बीच का होता है ना, 5 और 10 के बीच का है 0.6 और 10 और ग्राउंड के बीच पे 0 है 0.4। ये कुछ नहीं है, वो तो गलत। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग कैसे करते थे, पहले हम मान लेते थे कि लेट बोथ ब्लॉक आर मूविंग टुगेदर, तो उस हिसाब से दोनों का एक्सेलरेशन ये 40 की जगह 45 कर लेते हैं ना यार, अच्छा रहेगा। तो हमने मान लिया लेट A1 इक्वल टू A2, तो ये 45 डिवाइड बाई कितना आएगा 15, इट इज 3 m/s². फिर हम लोग चेक करते हैं कि ये फ्रिक्शन कितना रिक्वायर्ड होगा। तो 5 kg वाली ब्लॉक पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और इसका एक्सेलेरेशन हमको 3 m/s² चाहिए, तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन बोलते हैं इसको, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना चाहिए, तो न्यूटन्स लॉ लगाएंगे 5 × A तो 15 N फ्रिक्शन हमें चाहिए। और हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आप देख सकते हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे जो होगा वो नॉर्मल रिएक्शन 5G होगा और म्यू की वैल्यू 0.6 है, तो 30 N आ जाएगा। तो अगर हमारा रिक्वायर्ड फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा या बराबर है तो ये नो स्लिपिंग कंडीशन होती है। सर लिमिटिंग फ्रिक्शन 20 होगा ना? बेटा 0.7 समझ गए, तुमने भी 0.4 लिख लिया था जी। हाँ तो 30 हो गया ना, 0.6 हो गया बेटा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन 20 मान लो, तब भी आंसर सेम आ जाएगा। 15 N फ्रिक्शन चाहिए इसको और हमारे पास मौजूद है हमारे खाते में 30 N, इसका मतलब बॉडी आपस में स्लिप नहीं करेंगी तो साथ साथ चलेंगी, इसका मतलब जो हमने माना है करेक्ट माना है। तो 3 m/s² एक्सेलरेशन होगा और फ्रिक्शन 15 N लगेगा, स्टैटिक लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रिक्शन के क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ जो इंडिविजुअल डाउट्स हैं मैं उनको बच्चों ने पूछे मैं उनको सॉल्व करके ग्रुप पे डाल रहा हूँ, फिर भी नहीं समझ में आएंगे तो डिस्कस कर दूंगा। सर वो वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सवाल पूछ देंगे सर। हाँ अरे तुम्हारा